Wayne. सीरियल किलर्स डॉक्यूमेंट्री के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सीरियल किलर्स डॉक्यूमेंट्री का आज का ये एपिसोड एक ऐसे फीमेल सीरियल किलर के बारे में है जिसने एक निहायत ही सख्त कानून के दावेदार ऐसे कंट्री में कई वारदातें की जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस कंट्री की ये पहली फीमेल सीरियल किलर थी। जैसे अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में पहली फीमेल सीरियल किलर शीरी गुल उर्फ कातिल हसीना के नाम से जानी जाती है। ये अफगानी सीरियल किलर लेडी एक प्रोस्टिट्यूट के बेस में अफगानिस्तान के इन शहरों के सड़कों पर घूमा करती थी जो पाकिस्तान से मुतसिल थे या निहायत ही करीब थे। वहाँ से ये कातिल हसीना शीरी गुल मुख्तलिफ कार स्मगलिंग एजेंट्स को अपने जाल में फांस लेती थी और घर लाकर इन्हें अपने शोहर और इनके कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कत्ल कर देती और इनकी गाड़ियों को पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक स्मगल करके चोर बाजार में बेच देती थी। और इसी तरह एक इंडियन लेडी सीरियल किलर मलका साइनाइडे मुख्तलिफ मंदिरों से मजबूर खवातीन को अपने जाल में फांस कर इनके जेवर लूट लेती थी और इन्हें साइनाइड की गोलियां प्रसाद के नाम पर खिला देती थी जिससे इनकी मौत वाका हो जाती। इसी तरह ये भी ईरान की पहली फीमेल सीरियल किलर थी जिसने बहुत थोड़े से अरसे में पूरे ईरान में दहशत फैला रखा था। इनका नाम है माहीन कादरी और ये ईरान के शहर काजून से ताल्लुक रखती थी। सीरियल किलर माहीन कादरी एक पढ़ी लिखी खातून थी और अपने इस घिनौने काम को सरंजाम देने के लिए वो मुख्तलिफ ऐसे नावल्स की बाकायदगी के साथ स्टडी करती थी जो जराइम से रिलेटेड हो और इन नावल्स में लिखी गई ट्रिक्स को वो अपने शिकार को ललचाने के लिए इस्तेमाल करती थी। इनके मुताबिक वो इतने सारे लोगों को लूटने के बाद कत्ल करने में सिर्फ इसलिए कामयाब होती थी क्योंकि वो इन नावल्स में दिए गए तमाम ट्रिक्स को निहायत ही बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने की सलाहियत रखती थी और अपने जुर्म को कानून नाफिस करने वाले इदारों से छुपाए रखने के लिए भी वो इसी तरह की नावल्स में दिए गए तौर तरीकों से फायदा उठाया करती थी। ईरान की ये पहली सीरियल किलर अपने शिकार के लिए हमेशा खवातीन को ही चुनती थी सवाई चंद एक के। इनके मुताबिक मर्दों के नस्बत खवातीन को अपने जाल में फांसने में कोई मुश्किल दरपेश नहीं आती थी। ईरानी सीरियल किलर माहीन कादरी ने भी इंडियन फीमेल सीरियल किलर मलका साइनाइडे की तरह मस्जिदों से अपना शिकार चुनती थी। मलका साइनाइडे मंदिरों से अपना शिकार का इंतखाब करती थी। ये ईरानी सीरियल किलर माहीन कादरी घंटों तक शहर के मुख्तलिफ मस्जिदों का चक्कर काटती रहती थी अपने शिकार को फांसने की खातिर। इनकी जराइम का अंजाम इसी वक्त थमा जब इन्हीं की एक विक्टिम जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन जा पहुंची और पुलिस को सीरियल किलर माहीन कादरी के जराइम और तरीके कार के बारे में बताया। सन 2008 से मई 2009 के दरमियान ईरानी सीरियल किलर माहीन कादरी ने कई बेगुनाह खवातीन को मौत के घाट उतार दिया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस इंट्रोगेशन के दौरान इन्होंने सिर्फ 6 खवातीन और एक मर्द को कत्ल करने का एतराब किया जबकि हकीकत कुछ और थी। और इसी साल ईरानी फर्स्ट फीमेल सीरियल किलर माहीन कादरी को काजून शहर में सरेआम फांसी दे दी गई। यूं इस फीमेल सीरियल किलर की कहानी अपनी इख्तिताम को पहुंची। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।